मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को वर्चुअली संबोधित भी किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी ने भी सुना। वहीं गोरखपुर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 सालों के अंदर भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हो रहा है। नया भारत वैश्विक स्तर पर 142 करोड़ भारतवासियों के गौरव को बढ़ाता है। इस भारत में बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो आगे बढ़ ही रही है, साथ ही सबका साथ सबका विकास के ध्येय के अनुरूप योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सब तक पहुंच भी रहा है। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले 1100 आवासों के प्रतीकात्मक भूमि पूजन में भी सम्मिलित हुए और जनहित की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा की और कहा कि पिछले 9.5 वर्षों के अंदर देश में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय दिए गए हैं। इनमें से 4 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश के लोगों के बने हैं। देश में 4 करोड़ गरीबों के आवास बनवाए गए हैं, जिनमें से 55 लाख यूपी में बने हैं। देश में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ मिल रहा है। यूपी में इस योजना से 10 करोड़ लोग सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी की पहल पर कोरोना काल से देश में 80 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य की सुविधा मिल रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सर्वांगीण विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज हम सबको एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। यह भारत जो वैश्विक स्तर पर 142 करोड़ भारतवासियों के गौरव को बढ़ाता है, जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बिना भेदभाव के देश के अंदर लागू करता है, यह भारत जो चेहरा देख करके नहीं बल्कि जिस भारत में बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ योजनाओं का लाभ हर तबके को प्राप्त हो रहा है और हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार कार्य करते हुए उसके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है, इस नए भारत के अंदर हम सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता के लिए जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, मेरी जुबानी मेरी कहानी यानी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने, जिससे वे भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी रख सके और जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई।